कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही वाकया भीनवाल उपखंड मुख्यालय पर अर्पण दिव्यांग संस्थान ने करके दिखाया है। अर्पण दिव्यांग संस्थान दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की तालीम दे रहा है। जो दिव्यांग कभी सपने में भी ये नहीं सोचते थे कि हम भी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ पाएंगे और हम सामान्य बच्चों की तरह ही स्कूल की शिक्षा ले पाएंगे, लेकिन ऐसा कर दिखाया है इन दो युवाओं ने, जिन्होंने भामाशाह के सहयोग से दिव्यांगों के लिए एक संस्थान की शुरुआत की। देखते ही देखते संस्थान को भामाशाह का सहयोग मिलता गया और इन्हीं युवाओं ने 2 वर्ष में 29 दिव्यांगों को अर्पण संस्थान से शिक्षा के लिए जोड़ा है। इन दिव्यांग बच्चों के लिए महिला स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है। इन बच्चों को एक माँ की तरह लाड़ प्यार के साथ साथ शिक्षा और कई प्रकार के व्यायाम, खेल कूद और थेरेपी के द्वारा उनके कौशल विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संस्था के संचालक प्रवीण कुमार का कहना है कि जब हमने संस्थान को शुरू किया था तब ये बच्चे बिल्कुल उठना बैठना भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि टॉयलेट का भी उनको ध्यान नहीं रहता, सोच भी अंदर ही करते थे, लेकिन हमने एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देकर काफी बदलाव लाया है। अब ये बच्चे संगीत के साथ प्रार्थना बोलते हैं। कुछ बच्चों को जीवन यापन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कई बच्चों एवं बच्चियों को सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कई बच्चे दीपक बनाते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन संस्थान के पास एक छोटा सा किराए का भवन है जिसमें पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। उनका कहना है कि हमें सरकारी योजना के तहत कोई भूखंड मिल जाए तो हम भामाशाह के सहयोग से एक भवन तैयार करवा कर जिले के दिव्यांग बच्चों को अच्छी शिक्षा और उनको आवासीय विद्यालय के रूप में एक भव्य रूप दे सकते हैं। इसको लेकर संस्थान के संचालक ने जनप्रतिनिधियों से भी कई बार गुहार लगाई और प्रशासन को भी अवगत करवाया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इन दिव्यांगों के लिए सरकार पहल करके कोई भूखंड आवंटित करती है या फिर महज आश्वासन ही बना रहेगा। भीनमाल जालौर से उत्तम सिंह राव की रिपोर्ट।